लाभ दिया जाएगा आपके गांव में दूसरा शिविर लगा के। तो पहले शिविर में मैं नहीं पहुंच पाया। मुख्यमंत्री शिवराज नहीं पहुंचे मलाजखंड, फोन से योजनाओं की घोषणा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 22 सितंबर को मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर में केंडीटोला मलाजखंड आने का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन अधिक वर्षा होने या मौसम खराब होने के कारण सौंसर जिला छिंदवाड़ा से हेलीकॉप्टर का उड़ान संभव नहीं होने के कारण वे केंडीटोला मलाजखंड नहीं पहुंच सके। दरअसल मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें पार्षदों को जिताने के लिए भाजपा कांग्रेस दोनों दलों के नेता जोर लगा रहे हैं। भाजपा की ओर से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। इस दौरान 22 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अलग ही अंदाज देखने को मिला। उन्होंने हेलीपैड से ही मोबाइल फोन के माध्यम से ही सभा को संबोधित किया। वहीं आपको बता दें कि बालाघाट के केंदीटोला और मलाजखंड सीएम पहुंचने वाले थे कि अचानक मौसम खराब होने के चलते सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, जिसके बाद सीएम ने हेलीपैड पर खड़े होकर मोबाइल के जरिए ही मलाजखंड और केंडीटोला में आयोजित मुख्यमंत्री जनसेवा शिविरों को संबोधित करते हुए योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आना था, लेकिन मौसम की खराबी के कारण नहीं आ पाए हैं। इससे इस अभियान में क्या कोई फर्क पड़ेगा? ये अभियान 17 तारीख से देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती का है। विशेष हमारा पखवाड़ा, जनसेवा पखवाड़ा का अभियान प्रारंभ है, लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़ के हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मध्य प्रदेश के भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री की जो योजना है, वो योजना का क्रियान्वयन कैसे हमारे गांव में हो, हमारी पंचायत में हो, उस योजना को मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लेके रखे हैं। उस योजना को लेकर हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी, आज जैसे आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, उनके आने के पहले हमारा शिविर का आयोजन 17 तारीख से, जिन व्यक्तियों को गांव में लाभ मिला है, वो व्यक्ति जिनको लाभ नहीं मिला उसके लिए एक अवसर यहाँ पर है, और शिविर के माध्यम से भी हमने बचपन समिति के लोगों को भी लाभ दिए, हमारी लाडली रही बेटियों का भी सम्मान हुआ है। ऐसे तमाम प्रकार के 33 प्रकार की जो हमारी योजना है, उन योजना का क्रियान्वयन हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर हो। पटवारी का बंटवारा वाला मामला है, राजस्व विभाग का नामकरण वाला मामला है, हमारे पंचायत में ग्रामीण विकास के हमारे गांव के सड़कों का मामला है, हमारे रोडों का मामला है, हमारे छात्रवृत्ति का, शिक्षा विभाग के छात्रवृत्ति का मामला है, ऐसे अनेक विभाग का, महिला बाल विकास के, हमारे पंचायत ग्रामीण विकास के, हमारे प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है कि नहीं, हमारी खाद्यान्न पर्ची बन रही है कि नहीं, उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं, हमारा जो गरीब परिवार पात्र है उसको गाँव के अंदर लाभ मिल रहा है कि नहीं। शिविर के माध्यम से हमारा सचिव, हमारा GRS, हमारे जनपद के CO सारे के सारे मॉनिटरिंग करके, हमारे जनपद का ग्राम पंचायत का जो सचिव है, GRS है, वो सभी विभाग के काम को जो सरकार की योजना है वो घर घर जाके सर्वे करेगा, मोहल्ले मोहल्ले घर घर टोले टोले जाके उन व्यक्तियों को लाभ दिलाने का काम करेंगे। जो पात्र होंगे उसको लाभ मिला मिलेगा, जो अपात्र होंगे उनको बताया जाएगा कि किन कारणों से अपात्र। ऐसे जो हमारा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान है, हम नीचे तक के हमारा 1.25 महीना का ये कार्यक्रम है, और उस 1.25 महीनों में हम निश्चित रूप से अपने ग्राम पंचायत के 100% समस्या का समाधान कर पाएंगे, और जो फिर से नए काम आएंगे उनका भी लगातार समस्या का समाधान। जनसेवा शिविर लगाए जा रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि जनता को योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों में ना जाना पड़े, उनके पंचायत में ही शिविर लगे, पूरे अधिकारी और सरकार आए और जनता को लाभ दे। इसलिए आपके यहाँ CM जनसेवा शिविर लगाया गया है। इसमें जो आवेदन आए हैं उन आवेदनों को एक एक करके छांटेंगे, और जितने पात्र हितग्राही है, चाहे वो राशन की योजना के हों, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हों, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हों, चाहे वो CM और PM स्ट्रीट वेंडर योजना के हितग्राही हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की योजनाएं हो, लाडली लक्ष्मी का लाभ हो, आवास की समस्या हो, जितने भी आवेदन आपके आए हैं ये सारे आवेदन छांटे जाएंगे।
और विभाग बार फिर छाट के जो जो पात्र हितग्राही है उन सबको लाभ दिया जाएगा आपके गांव में दूसरा शिविर लगा के। तो पहले शिविर में मैं नहीं पहुंच पाया, जो दूसरा शिविर लगेगा जिसमें इन आवेदनों को छाट के पात्र हितग्राही छाट के हम लाभ देंगे, उस शिविर में मैं जरूर आऊंगा और वह अपने हाथों से कुछ लाभार्थियों को अलग अलग योजनाओं का लाभ वितरित करूंगा। आज चूंकि मौसम की प्रतिकूलता है इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। कलेक्टर सहित जितने भी विभागों के अधिकारी हैं, मंत्री जी वहां मौजूद हैं, वो सारे आवेदन उन्होंने लिए होंगे, छाटे होंगे और तत्काल जिनका लाभ देना है वो लाभ मेरी तरफ से रामकिशोर कांवरे नानू हमारे मंत्री वहां लाभार्थियों को हितग्राहियों को लाभ देंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, दोबारा जब शिविर लगेगा तब मामा स्वयं आएगा, आपके गांव में ही हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण भी करेगा और गांव की समस्याओं का समाधान भी करेगा। आज मौसम खराब होने के कारण आपके बीच नहीं आ पा रहा हूं, इसलिए एक बार फिर आपसे माफी मांगता हूं। मेरे प्रतिनिधि के रूप में मंत्री अभी आपके बीच रहेंगे, कलेक्टर और अन्य अधिकारी रहेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान। आज मैं एक बार फिर आपसे माफी चाहता हूं, आज आपके बीच नहीं पहुंच पाया, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की बनाइए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं फिर आऊंगा जीतने के बाद और जितनी भी आपकी समस्या है उसका समाधान करके वापस आऊंगा। आज तो केवल स्पीच होती लेकिन उस समय शिविर भी लगेगा और सरकार लेके आऊंगा तो मैं कामों की स्वीकृति भी दूंगा। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि आज के लिए मुझे माफी दें, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिताएं और विकास की जवाबदारी मोदी जी, मामा जी और मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार को सौंप जाएं। आप सबसे प्रार्थना है कमल के फूल की बटन दबाइए, भाजपा को जिताइए, बोलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। तो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लें, भारत माता की जय बोल के हम सब ये संकल्प लेंगे। बोलिए मेरे साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मलाजखंड की जनता की बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।